जय श्री श्याम गाइस, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सब अपने घर पे अच्छे होंगे। और आज है गणेश चतुर्थी, यहाँ पे चल रही है प्रिपरेशंस। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये मम्मा लगे हुए डेकोरेशन करने के लिए, और देखते हैं इसका फाइनल लुक क्या रहता है। मम्मा कैसा फील हो रहा है आपको? पता नहीं यार, तुमने ये कहा था हम खुद करेंगे, वो भी मुझे लगा। इतनी तो आप लोग देख सकते हो कि मेरी क्या हालत बन रखी है। रियलिटी में फेस एक लुक मतलब फाइनल हुआ है, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से फाइनल हुआ है। झगड़े के बाद ये, हाँ झगड़े के बाद। बाद में काम मम्मी आती है तुम्हारे, तो मम्मी के बिना तो कुछ हो भी नहीं सकता ना। चलो चलो, वैसे ही ब्लॉग बहुत लंबा होने वाला है आज। मम्मा क्यों परेशान हो रहे हो आप? गुस्सा आ रहा है मेरे पे? परेशान मैं ना यूं हो रही हूँ, तुम लोगों ने मेरे क्या टाइम कर दिया आज। 12:30 हो चुके हैं, हाँ, तो मेरी हालत देख लो। और ऊपर से इस लड़की ने दुखी करा था, क्या हाल मचाया दिखा जरा सबको। बहुत गंदी लड़की है तुम, जहाँ देखो कूड़ा, जहाँ देखो कूड़ा, बदतमीज। तो गाइस, आज मुझे मम्मा का एक और टैलेंट पता चला। आज तक मैंने कभी मम्मा को ये सिलाई करते हुए नहीं देखा। और मम्मा आज क्या बना रहे? माता रानी की ड्रेस। अरे कॉटन का ना कपड़ा अच्छा लगा है मेरे को। मैं सोच रही हूँ ना, हम भी तो कॉटन मांगते हैं, सिल्की पहन के माता रानी परेशान हो रही होगी। तो गाइस, मैं खुद इतनी शॉक्ड हूँ, मम्मी आप सब कर लेते हो ये। बस माता रानी जहाँ पे, पता क्या होता है, दिमाग चलाओ चल जाता है। आपका दिमाग होना चाहिए। हम जब फजूली चीजें सोचेंगे तो फजूली दिखेंगे, और जब हम अच्छा सोचेंगे, दिल से सोचेंगे, तो बहुत अच्छा अच्छा होगा। तो पता नहीं आज कैसे माता रानी ने बोला मेरी ड्रेस बनगी होगी, बना दी। देखते हैं फाइनली कैसे बनती, क्योंकि देखो गाइस मुझे आती नहीं है कुछ भी। मेरे बाबा का दरबार हो चुका है, गन्नू का रेडी, और आज मेरी मैया ने भी नई ड्रेस पहनी है। आप देख सकते हो कैसे चमक रही है, और लड्डू भी होके बैठे हैं तैयार, और उधर चल रही हैं तैयारियाँ जाने की। होगी भी तैयारी, जाओ फटाफट गन्नू को लेके आओ। पापा और बेटा और अंश, ये भी तीनों जाएंगे गन्नू को लेने। तो अभी दिखाते हैं गन्नू कैसे फटाफट से आ रहे हैं। गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अपने लड्डू को, सॉरी लड्डू गोपाल बोलने के आदत है, गणेश जी लेने के लिए। और अब फटाफट से करते हैं पूजा और उनको साथ में लेके जाते हैं घर। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो गाइस अब हम उनका जो मुंह है वो ढक रहे हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। उनके शॉप का नाम बता दो आप। श्री राम छोटू भंडार। कहाँ पर है ये? गौशाला मार्केट। अच्छा ठीक है, तो गाइस जिसने भी परचेजिंग करनी है वो आ सकता है यहाँ पे। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति लोकरिया, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति लोकरिया, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। गणपति देवा
मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदाई जय, बोल साचे दरबार की जय। हमने आज अखंड जोत रखी है बाबा की 10 दिन की, तो बाबा जी हमारे विराजमान है, तो बस अब इनको ही इस जोत का ध्यान रखना है। अगर हमसे कोई गलती होती है तो ये जोत हमें दिखाती है कि हम गलतियां कर रहे हैं। तो सब अपने अपने मन में ये कहना कि बाबा जी हमसे कोई गलती ना हो और आपकी कृपा हम पे सदैव बनी रहे और ये ज्योति यूं ही अखंड जलती रहे। हमारा खाना हो चुका है रेडी और ये गुनकी निकाली हुई है पनीर और अंश ने बनाए हैं जीरे वाले आलू। तो आप देखिए कितने सुंदर आलू बनाए हैं इसने, मल्टी टैलेंटेड है वैसे तो। और आप ये देख रहे हो मेरी तैयारी करके गई है, मैं बनाऊंगी सामक और किचन, किचन मेरी सारी फैली हुई है तो आप देख रहे हो। और गुन का हमेशा से वही जो इसका चलता है और हस्बैंड जी के तो फोन ही ख़त्म नहीं होते। और ये सिम्मी कामरा क्या पूजा की तैयारियों में, क्योंकि इसको गन्नू से इतना प्यार है ना, आपने देखा होगा सुबह पूजा भी इसने की है और अभी अपना गणपति जी की तैयारियों में लग चुका है। और ना आज ना बहुत हवा चल गई थी और इतनी हवा थी ना मैं क्या बताऊँ, हमें देखो क्या क्या जुगाड़ करना पड़ा है क्योंकि अभी ना हमारी चिक नहीं लगी है तो बड़ी दिक्कत हो रही है हमें चिक के बिना। तो आप देख रहे हो कि आज मेरे एक स्टूडेंट ने ये जुगाड़ बताया मुझे, कहती कि दीदी ऐसे कर लो हवा नहीं लगेगी। तो कई बार ना छोटी छोटी चीज़ें इतनी अच्छी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता कि मतलब ज़रूरी नहीं कि आप ही हर चीज़ में समझदार हो, कई बार कोई और भी आपको ऐसी बात बता देता है। अब मैं तो सिर्फ उन्हें सलोन का सिखाती हूँ लेकिन वो कई चीज़ें मुझे ऐसी सिखा जाते हैं जो लाइफ टाइम, अब आप देख सकते हो मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा कि हवा चल रही थी मैंने ऐसे किया। तो आप देख रहे हो मेरे गन्नू इतने मुस्कुरा रहे हैं तो इनको किसी की नज़र ना लगे। और मेरा जय यहाँ पे तैयारी कर चुका है
जो इसने भी कर ली है पूजा की तैयारी। तो ये जय ने जोत जला दी है, अब ये धूप अगरबत्ती जलाएगा और करेगा गणपति जी की आरती। मुझे ना यहाँ खड़े होना बहुत अच्छा लगता है, मतलब यहाँ पे ना बड़ा सुकून मिलता है। जगह छोटी सी है पर बहुत सुकून मिलता है। तो जब तक जय ने चालीसा चला दिया है चलते पूजा करने। आज आपने देखा मेरे गणपति जी आए, हम कैसे लेकर आए और पूरी मैंने तैयारियां दिखाई हैं, सब कुछ दिखाया है। और हाँ, मैं पंडित वगैरह बहुत कम बुलाती हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर आप खुद से पूजा करते हो तो भगवान जी ज़्यादा खुश होते हैं। पहले कई साल तक मैंने पंडित जी को बुलाया, फिर उनकी विधि विधान में थोड़ा थोड़ा सीख गई तो मुझे लगा आप तो खुद करना चाहिए। और जो पंडित जी थे और वो एक्सपायर हो गए जो आते थे, तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली थी कि बेटा अगर आप गणपति लाओ जितना खुद से आप करोगे बाबा जी का आगमन करोगे उतना ही ज़्यादा आपको पूजा लगेगी। तो सब मुझे आज बताना ज़रूर कि मेरे गणपति कैसे लग रहे थे और अब आपको रोज़ नया रूप दिखेगा उनका। तो आज आपने देख लिया जैसे जैसे हमने किया आपको सब दिखाया। पार्लर का शूट नहीं ले पाई क्योंकि पार्लर पर मैं गई ही 6 बजे थी और लड़कियाँ भी मेरे पास थी और पीछे से भी एक दो क्लाइंटों को आज वापस जाना पड़ा क्योंकि मैं घर पे थी और उन्होंने कॉल की नहीं। तो कोई नहीं, कल आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं देखने वाले प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर तो आपने करना ही है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, जय श्री श्याम और गणपति बप्पा मोरिया।